हेलो यूट्यूब, हाउ आर यू ऑल। आप सब लोग कैसे हैं? आज हमारा 5 ट्यूटोरियल है HTML सीरीज़ बिगेनर्स के लिए, जो कि हमने स्टार्ट की थी। तो इस लेक्चर में हम टेबल्स और टेबल्स हेडिंग और टेबल डाटा के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको सीधा नोटपैड की तरफ ले चलता हूँ। ये देखें, जहाँ पे मैंने लेक्चर सेव किया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है HTML की, ये ओनली HTML के लिए है। इसमें हम स्टाइलिंग नहीं सीख रहे। स्टाइलिंग के लिए सीरीज CSS की सीरीज़ मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें हम स्टाइलिंग करेंगे, अपने वेब पेज को स्टाइल कैसे करते हैं वो आपको सिखाएंगे। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है टेबल। टेबल कैसे बनते हैं HTML में? तो सबसे पहले टेबल का टैग है, इसके आपने लिख लेना है कि टेबल का टैग किस काम के लिए यूज़ होता है। टेबल टैग टेबल बनाने के लिए यूज़ होता है। ये हमारा टेबल का टैग है, और यहाँ पे ये मैंने टेबल टैग क्लोज़ कर दिया। ये जितना भी कुछ देख रहे हैं ये टेबल्स के अंदर ही आएगा, क्योंकि ये टेबल है और टेबल के अंदर टेबल की रोज़ आएंगी और टेबल के कॉलम्स आएंगे। तो टेबल रो मतलब TR, टेबल रो इस टैग से बनती है। इसके आगे लिख लेंगे टेबल रो TR टैग किसके लिए यूज़ होता है, टेबल रोज़ के लिए यूज़ होता है। तो इसके बाद जो मैं टेबल रोज़ और टेबल सबसे ऊपर हमने हेडिंग्स लगानी है कि टेबल्स की हेडिंग क्या होगी। तो हेडिंग देने के लिए TH टैग यूज़ होता है, टेबल हेडिंग। ये हमारी फर्स्ट हेडिंग है, फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, ये सेकंड आ जाएगा और ये थर्ड कॉलम आ जाएगा। उसके बाद ये हमारा टेबल एक रो कंप्लीट होगी, मतलब एक हॉरिजेंटल रो ऐसे कंप्लीट, फुल ऐसे कंप्लीट रो होगी। ओके, और इसके बाद हम सेकंड रो पे चलते हैं, जिसमें हम टेबल का डाटा इंटर करेंगे टेबल में। तो टेबल डाटा के लिए हम TD यूज़ करते हैं। TD टैग होता है टेबल डाटा के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट डाटा HTML में चला जाएगा, ये CSS में चला जाएगा और ये बूटस्ट्रैप में चला जाएगा, और ये हमारा TR टैग क्लोज हो गया। तो इसे मैं सेव करता हूँ इस फाइल को। ये यहाँ से फाइल सेव एज करेंगे, तो यहाँ पे लिखूँगा ये हमारा 5 लेक्चर है, तो इसलिए 5 लेक्चर और .HTML। इसे सेव कर देता हूँ, फोल्डर में जाते हैं, और ये हमारा 5 लेक्चर है, इसे ब्राउज़र में ओपन करते हैं। ओके, ये आपके सामने इसका रिज़ल्ट है, ये देखें। सॉरी, ये देखें, ये हमारा टेबल टैग है, ये हमारा इस टेबल को बनाने के लिए काम आ रहा है। ओके, उसके बाद ये टेबल की रो है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो HTML और ये CSS, ये पूरी हॉरिजेंटल रो है, ये हेडिंग्स हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये बोल्ड है, मतलब ये हेडिंग के लिए यूज़ हुई हैं। और उसके बाद ये सेकंड लाइन, जो सेकंड रो है, वो ये चीज़ है, ये टेबल का डाटा है। तो इस तरह हम टेबल क्रिएट करते हैं HTML में। तो आज हमने टेबल टैग सीखा, टेबल रो सीखी, टेबल हेडिंग सीखी और टेबल डाटा सीखा। ये आज हमने 4 टैग सीखे हैं, तो ये आपने याद कर लेने हैं और साथ लिख भी लेने हैं। तो आज का ट्यूटोरियल मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और ये हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि हमें फीडबैक मिले कि आप हमारी सीरीज़ को कितना पसंद कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।